मैं आपको समझाना चाहती हूँ। ईदगाह इस पाठ जो है वह हमारे लेखक है प्रेमचंद जी। प्रेमचंद जी के द्वारा ये लेसन लिखा गया है। प्रेमचंद जी का जन्म 1880 के अंदर वाराणसी में लवी नामक गांव में हुआ था और प्रेमचंद जी को उपन्यास सम्राट कहा गया है। आइए तो इस पाठ के अंदर प्रेमचंद जी ने एक छोटे से जो बालक है हामिद उसका बहुत ही अच्छे से वर्णन किया गया है। हामिद नामक जो लड़का है वह गरीब है और यहाँ हामिद गरीब होने के बावजूद भी वह उनके अंदर जो त्याग समर्पण और उनकी जो प्रतिभा है और बुद्धिचात्र्य प्रकट होता है। इस पाठ के द्वारा एक छोटे से बालक के अंदर जो अपने भावों को जो अपनी दादी के प्रति जो प्रेम व्यक्त होता है वह यहाँ स्पष्ट दिखाई दे रहा है। सबसे पहले हम उनके शब्दार्थ की चर्चा करेंगे। आइए उनके शब्दार्थ देखते हैं। ईदगाह, हमारे पाठ का नाम ही ईदगाह है तो ईद यानी मुस्लिम लोगों का एक त्यौहार, पर यहाँ ईदगाह ईदगाह यानी ईद की नमाज पढ़ने की जगह, जहाँ ईद के लिए ईद की नमाज पढ़ने के लिए मुस्लिम लोग जाते हैं वह एक स्थान उसे ईदगाह कहा जाता है। अनगिनत अनगिनत वैसे हम कहते हैं अनकाउंटेबल, अनगिनत यानी अधिक बहुत ज्यादा जिसे गिना न जा सके। विशाल अवकाश या तो मूल्य कि इस पाठ के अंदर जो हामिद की जो दादी यानी उनकी जो अम्मा है वह कहती है कि हमारी इतनी ही विशाल है यानी औकात है कि हमारी इतनी ही हैसियत है। लड़ी माता क्रम कि एक लड़ी के अंदर पिरोना यानी एक माला के अंदर क्रमबद्ध उसी प्रकार यहाँ क्या माला यानी क्रम होगा। कोष खजाना कि बच्चों को लगता है कि उनके पास तो इतना सारा है मान के खजाना मिल गया है। पृथक अलग होना कि जो बिरादरी अपना जो ग्रुप है उससे अलग होना यानी कि यहाँ बताया गया है कि पृथक यानी अलग। सानी चारे की सामग्री जो पानी में सानकर पशुओं को खिलाई जाती है कि अगर सीधाई हम पशुओं को घास जाते हैं कहने का मतलब तो वह आसानी से नहीं खा सकते इसीलिए उसे पानी के अंदर थोड़ा भिगो कर उसी प्रकार पशुओं को वो चारा खिलाया जाता है तो उसे इस लेसन के अंदर कहा गया है सानी। अब कुबेर धन का देवता कि मेरे पास तो कुबेर का भंडार है यानी कि पूरे धन का देवता इतना सारा धन मेरे पास है तब हम कहते हैं कि कुबेर का भंडार होना। निगोड़ी दूसरी या तो अनाज, यहाँ इस लेसन में जो हामिद की जो दादी है वह अल्लाह को ईश्वर को याद करके कहती है कि निगोड़ी ईद को आज ही आना था। वह ईद को एक गाली के रूप में निगोड़ी कहती है कि तू दुष्ट है कि तू अच्छी नहीं है कहने का मतलब कि आज जबकि मेरे घर में कुछ खाने के लिए नहीं है तभी मुझे आना था इसीलिए वह एक गाली के रूप में यहाँ ईद को कहती है निगोड़ी। मन मन के लिए यहाँ शब्दार्थ के अंदर मन शब्द दिया है गुजराती शब्द है कि एक एक मन का होना यानी कि मन शब्द दिया गुजराती शब्द का प्रयोग हुआ है। सिजदा एक विशेष मुद्रा में झुकना जब मुस्लिम लोग ईदगाह जाते हैं तब वहाँ नमाज पढ़ते हैं तो जब उनके मुल्ला मुल्वी कुछ बोलते हैं तब एक साथ सब लोग अपना सिर जो जमीन के नीचे यानी कि उसी प्रकार कि वह एक विशेष मुद्रा में झुककर वह ईश्वर को अल्लाह को याद करते हैं तब कहा जाता है सिजदा। धावा शब्द आक्रमण हमला मिठाई की दुकान पर धावा हुआ यानी कि आक्रमण हो गया कि सब बच्चे बूढ़े जैसे ही ईद की नमाज खत्म हो जाती है तब सब धावा
दे दिया। अब ये जो शारीरिक शब्दार्थ है वहां ईदगाह के लेसन के अंदर ये शब्द प्रयोग हुए हैं। अब हम आगे इस लेसन के अंदर जो एक हामिद नामक जो गरीब बालक है उनके माता पिता इस दुनिया में नहीं रहे चल बसे हैं, तो फिर वो बालक जो है अपनी दादी के पास बड़ा होता है। अब दादी जो है वह बूढ़ी हो चुकी है और कोई सहारा तो है नहीं, ऊपर से वह गरीब है, कमाने के लिए उनके पास तो कुछ भी नहीं है। छोटे से बालक अपने गांव वालों के साथ ईदगाह जाने के लिए वह अपनी दादी से कहता है कि ये सब गांव वाले ईदगाह जाते हैं तो मैं भी ईदगाह जाना चाहता हूँ। पर दादी उसे मना करती है क्योंकि अगर वह ईदगाह जाएगा तो उसका ध्यान रखने वाला कोई नहीं था और जो दादी है वो तो ईदगाह नहीं जा सकती क्योंकि मुस्लिम समाज के अंदर वहाँ स्त्रियों को जाना मना होता है। अब उनके पास कोई घर परिवार के अंदर कोई व्यक्ति तो है नहीं, उनके पिता की तो मृत्यु हो गई है तो वो जाए भी तो कैसे, और ऊपर से वह गरीब है, इतने पैसे भी उसके पास नहीं है कि ईदगाह के मेले के अंदर खिलौने मिठाइयाँ चरखिया और कुछ इतनी सारी चीज वस्तु उसके अंदर जो मिलती है वह ले भी नहीं सकता और जो कपड़े है वो भी पुराने हैं। तो ईदगाह के मेले के अंदर जाना है तो नए कपड़े भी चाहिए क्योंकि गांव वाले जो है वो अपने अपने बच्चे अपने परिवार के साथ जो जा रहे हैं उन सबके पास तो अच्छे कपड़े हैं पैसे भी हैं, तो अगर वो वहाँ पे जाएंगे तो मजे करके आएंगे, पर ये जो छोटा सा बालक है वो अकेला कैसे वहाँ जाएगा, और इतने पैसे भी नहीं है। तो यहाँ इस लेसन के अंदर प्रेमचंद जी ने जो हामिद के बारे में और खास करके उनकी जो सहनशीलता दे दिया जब तक जो है वह इस लेसन के अंदर यहाँ अच्छे से व्यक्त किया है। ईदगाह प्रेमचंद जी की अमर कहानी है। आइए इस पाठ का शब्द सभा समझूती मैं आपको देना चाहती हूँ। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद आज ईद आई है, कितना मनोहर कितना सुहावना प्रभाव है। आज का सूर्य
होता है, खिलौना, मिठाइयाँ, गेम और न जाने क्या क्या। और सबसे ज्यादा जो प्रसन्न है वह था हामिद। अब हामिद जो है वह गरीब है और वह अपने दुला किया कि वो जो है वह बहुत ही उनकी जो सूरत है वो बड़ी भारी है, वो दुबला पतला है, गरीब है। और उनका जो बाप है यानी कि उनका जो पिता है वह गत वर्ष यानी पिछले ही वर्ष में हैजे की भेंट हो गया था, यानी हैजा यानी कोलेरा नाम जो बीमारी होती है उसके अंदर उनके पिता की मृत्यु हो जाती है। थोड़े ही दिनों में उनकी माँ की भी मृत्यु हो जाती है। अब वह अनाथ हो गया यानी कि इस दुनिया के अंदर हामिद के माता और पिता दोनों नहीं रहे। अब घर के अंदर जो थी उनकी दादी वो भी बूढ़ी हो गई थी और वह अपनी दादी को प्यार से अम्मा कहता है। अब वह अपनी अम्मा के साथ है यानी कि अपनी दादी के साथ है, फिर भी वह प्रसन्न है कि भले हम गरीब हैं, उनके माता पिता नहीं थे, उनके पास पैसे नहीं थे, फिर भी जो हामिद थे वह बहुत ही प्रसन्न है क्योंकि आज उसे ईदगाह के मेले के अंदर जाना है। अब हामिद के माँ बाप में तो जूते भी नहीं है और वह सिर पर जो एक टोपी है वो भी पुरानी है और उनका जो गोटा है वह काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न है। अभागी अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन और उसके घर में एक अनाज का दाना भी नहीं है। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही है। किसने बुलाया था इस निरोड़ी ईद को? अब अमीना जो है यानी कि हामिद की बूढ़ी दादी वह अपनी कोठरी के अंदर बैठी रो रही थी कि मैं अपने पोते को इस ईदगाह के मेले के अंदर कैसे भेजूं? मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है और आज इतना बड़ा त्यौहार और घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है। अगर खाने के लिए ही जो चीज नहीं है तो उसे ईदगाह के मेले के अंदर मैं कैसे भेज सकती हूँ? इसीलिए मन ही मन वह ईद को निगोड़ी कहती है, दुष्ट कहती है कि तुझे आज ही नहीं आना था जबकि आज हमारे घर में एक अनाज का दाना भी नहीं है। तो वह मन ही मन अपनी कोठरी में बैठी वह ईद को कोस रही है और वह रो रही है। अमीना का दिल कठोर रहा था, वह दुखी हो रही थी। गांव में बच्चे अपने अपने पिता के साथ जा रहे हैं, हामिद का बाप अमीना के सिवाय और कोई तो है नहीं। अब अमीना को हामिद का पिता बोलो या उनकी माता, उनके अलावा तो और कोई है ही नहीं। अब उसे अकेले नहीं भेजना चाहती कि वह सोचती है कि मैं अपने पोते को उस मेले के अंदर नहीं भेजूंगी। उस भीड़भाड़ में बच्चा कहीं खो गया तो उनका ध्यान रखने वाला तो कोई था नहीं, इसीलिए वह कहती है कि नहीं, मैं अपने बेटे को कभी वहां पर नहीं भेजूंगी। और अमीना उसे यो न जाने देगी, नन्ही सी जान, 3 कोस का पैदल रास्ता, वो चलेगा भी कैसे, उसके पैर में तो जूते भी नहीं है और इतनी धूप में वह पैर के अंदर छाले पड़ जाएंगे, तो इसीलिए वह उसे मना करती है। और कुल 2 आने पैसे तो बचे हैं कि और कुछ तो घर में है नहीं, जबकि देखा उसने तो कुल 2 आने पैसे बचे थे, 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 अमीना के बटुए में, यही तो किस्सा थे। अब अमीना कहती है कि हमारे पास तो है ही नहीं, 5 पैसे है, इतनी ही औकात है। अब 5 पैसे के अंदर घर के अंदर कुछ खाने की चीजें लाए या तो उसे हामिद को उस मेले के अंदर भेजे, इतनी ही हमारी औकात है, अब अल्लाह ही बेड़ा पार लगाएगा। अब वह ईश्वर के भरोसे छोड़ देती है कि अब अल्लाह ही बेड़ा पार लगाएगा कि जो होगा, क्योंकि हामिद जो है वह अपनी अम्मा से जीत कर रहा है कि मुझे भी इस मेले के अंदर जाना है। हामिद अपनी दादी के पास अंदर जाता है और कहता है कि तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आ जाऊंगा, कि तुम्हें जिस बात की चिंता हो रही है कि तुम डरना बिल्कुल नहीं।
ध्यान रखूंगा और मैं सबसे पहले आ जाऊंगा। अब गांव से मेला चला, सब गांव वाले अपने अपने तरह से तैयारी करने लगे और सब एक साथ गांव से बाहर ईदगाह के मेले के अंदर जाने लगे। अब और बच्चों के साथ हामिद भी जाने लगा, कभी दौड़कर आगे निकल जाता तो फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करने लगता। अब हामिद सब गांव वालों के साथ वहां उस बच्चे के साथ वो भी हामिद भी जाने लगा। इतना खुश था कि वह सबसे आगे दौड़कर निकल जाता, फिर देखता कि भाई उनके साथ वाले पीछे रह गए तो किसी पेड़ के नीचे वह उनका इंतजार करता और फिर सब साथ वालों के जब वह गांव वाले आ जाते तो उनके साथ भी वह चलने लगता। मानो उसके पैर में तो पंख लग गए हैं, इतनी खुशी उसे मिली कि मानो वो तो उसके पैर के अंदर पंख लग गए हैं, वो तो उड़ने लगा है। वह कभी थक सकता था, वो तो कभी थकने का नाम ही नहीं लेता था। इतना छोटा बच्चा, पैर में जूते भी नहीं है, फिर भी वह थकने का नाम नहीं लेता है। जिस ईदगाह के मेले के अंदर पहुंचना था वह नजर आती है और यहाँ हामिद के गांव से ईदगाह का जो स्थान है उन दोनों के बीच के रास्ते के अंदर बड़ी बड़ी इमारतें आती है, अदालतें आती है, कलाभवन और हलवाइयों की दुकान है। इतनी सारी हलवाई की दुकान है और उस दुकान के ऊपर मनो लगी थी यानी कि भीड़ थी। अब इतनी मिठाइयाँ कौन खा जाता होगा, अब हामिद सोचता है क्योंकि वह तो पहली बार अपने घर से बाहर निकला और उसने मिठाई की दुकान देखी तो वह सोचता है कि इतनी सारी मिठाई कौन खा जाता होगा। और फिर वहाँ पर जाकर ये जो मिठाइयों की दुकान देखता है तो खूब सजी हुई थी और इतनी मिठाइयाँ और इसके बावजूद वह कि वहाँ देखता है कि कितने सारे लोग भीड़ थी मिठाई की दुकान पर जिसके पास पैसे है वो तो मिठाइयाँ ही खाएगा। अब वहां से वह और आगे निकलता है और जवान ईदगाह का मेला अचानक उसे नजर आ जाता है। अब वहां का जो स्थान है उनका सुंदर प्रेमचंद जी ने वर्णन किया है, इमली का घना वृक्ष और उनकी छाया, नीचे जो थी फर्श वह पक्की थी और उनके ऊपर झाझी बिछाई हुई थी और रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक उसी तरह न जाने दूर दूर तक ऐसे फैली हुई थी। जैसे जैसे रोजेदार आते गए और अपनी पंक्ति में खड़े रहते गए और साथ में यहाँ कोई धन और पद नहीं दिखता था कि जैसे कोई गरीब अमीर ऐसा कोई भी भेदभाव नहीं था। सब एक ही लाइन में जैसे जैसे आते गए उसी प्रकार वहां खड़े होते गए, सबने वजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए हामिद के गांव वाले। उसने सबसे पहले वजू किया यानी अपने हाथ और पैर अच्छे तरह से धोकर वहां आकर खड़े हो गए, साथ में भरतत्व का एक भाव कि ये सब देखा उसने कि कितना सुंदर संचालन था कि एक परिवार के लोग जैसे यहाँ खड़े हैं तो इतनी सुंदर व्यवस्था, सुंदर संचालन और फिर एक साथ सब लोग खड़े हो जाते हैं कि जब उनके मुल्ला कुछ बोलते हैं अपने भाषा में तब एक साथ सिजदे के लिए यानी कि सबके सर झुक जाते हैं और फिर एक साथ खड़े होकर आपस में गले मिलने लगते हैं। मानो ऐसा लगता है कि भ्रातृत्व का जो ये भाव वह एक कड़ी के अंदर पिरोए हुए है और अब नमाज खत्म हो जाती है। अब नमाज खत्म होने के बाद सब लोग आपस में गले मिलने लगे। अब मिठाइयाँ, खिलौने की दुकान और उन पर धावा होने लगता है, आक्रमण होने लगता है और इसमें से जो हामिद के गांव वाले थे उनका जो दल था वह कम उत्साहित नहीं था। बच्चे बूढ़े सब मिठाई की दुकान पर हमला करने लगे। फिर उसने देखा उस मेले के अंदर हिंडोले हैं, आसमान पर जाते हुए ये बड़े बड़े हिंडोले हैं, कभी जमीन पर गिरते हुए और इसी प्रकार लकड़ी, हाथी, घोड़े और ऊंट छड़ों के लटके हुए थे।
महमूद, मोहसिन, नूरे और समीर इन घोड़ों पर बैठते हैं। उनके पास पैसे थे, इसलिए वह सबसे पहले उन घोड़ों के ऊपर, यानी कि वहाँ अलग अलग विविध प्रकार की चरखियाँ थी, वहाँ बैठ जाते हैं। हमें बेचारा दूर खड़ा रह जाता है, क्योंकि उनके पास पैसे तो थे, 3 पैसे तो थे, पर इतने नहीं थे कि वह चरखी में बैठे खिलौने खरीद सके और मिठाइयाँ भी खा सके। इसीलिए वह दूर खड़ा रह जाता है और वह सोचता है कि वह कि भाई ये सारे मेरे मित्र है, तो मुझे कि एक कोस रिहाई के साथ क्यों नहीं देते हैं, कि जरा सा भी चक्कर काटने के लिए अगर वो लोग भी मुझे दे दें तो मैं भी इन चरखियों में बैठ सकूं। पर उनके जो मित्र थे वह स्वार्थी निकले, किसी ने भी हामिद को नहीं पूछा उन चरखियों में बैठने के लिए। अब सब चरखियों से उतर जाते हैं, सब ने चरखियों का मजा लिया ले लिया। अब सब चरखी से उतर गए और अब सब खिलौने की दुकान पर गए, क्योंकि उनके पास तो पैसे है और ऊपर से सब अपने अपने पिताजी के साथ आए हुए थे। इधर दुकानों की कतार लगी हुई थी और तरह तरह के खिलौने सजे हुए थे। सिपाही, गुजरिया, राजा, वकील, धोबी और मिस्त्री अलग अलग प्रकार के उस खिलौने वहां पे थे। लगता है कि अभी कुछ बोलना चाहते हो, इसी प्रकार उनकी रचना की गई थी कि अभी ये खिलौने कुछ बोलेंगे। मोहम्मद नामक जो लड़का है वह सिपाही लेता है और खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए, मालूम होता है कि अभी अभी वह कवायद किए जा रहा है, क्योंकि महमूद नामक लड़के को सिपाही से प्रेम था, उसे पसंद आ गया सिपाही का खिलौना। मोहसिन को बिस्ती पसंद आ गया, उसे एक मजदूर का खिलौना पसंद आ गया। उनकी कमर झुकी हुई थी और उनके कंधे पर ऐसे मशक रखे हुए थे। मशक का मुंह एक हाथ से पकड़ा हुआ था और फिर भी वह प्रसन्न था। बिस्ती होने के बावजूद भी वह प्रसन्न था, शायद कोई गीत गा रहा है। वह मशक से अभी अभी पानी उड़ेलना नहीं चाहता है, तो मोहसिन नामक लड़के को वह बिस्ती का खिलौना पसंद आ जाता है। अब नूरे नामक जो लड़का था उसे वकील से प्रेम था, तो उसने वकील का खिलौना खरीद लिया, काला चोदा और नीचे सफेद अचकन। अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजी और एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए मालूम होता है कि कभी अदालत से वह जिरह या वरद बहस किए चला आ रहा है कि उसे वकील नाम खिलौना पसंद आ गया। अब वकील जो है उनकी पोशाक तो सबको पता ही है कि काला चोदा और नीचे सफेद अचकन होता है, साथ में उनके एक जेब में घड़ी भी रखते हैं, हाथ में कुछ कानून का पोथा यानी कि कुछ किताबें होती हैं। और ये जो सब खिलौने थे वह 2-2 पैसे के थे। हामिद के पास भी 3 पैसे तो थे, पर वह इस खिलौने में बर्बाद नहीं करना चाहता था और कोई काम की चीज खरीदना चाहता था, इसीलिए वह खिलौने भी नहीं खरीदता है। वह इसी प्रकार अपने मन को मनाता है कि ये खिलौने अगर मैं यहाँ से खरीदूंगा और ऊपर से उनके ऊपर जरा सा भी पानी पड़ेगा तो वह सारे नष्ट हो जाएगा, या तो हाथ से छूट जाएगा तो सारे खिलौने टूट जाएंगे, फिर वह कोई काम का नहीं रहेगा। तो वह हमें अपने आप को इसी प्रकार खिलौने न लेकर अपना मन मना लेता है। खिलौने के बाद वह आती है दुकान मिठाई की, सब लोग वहां पर आक्रमण करने लगते हैं, किसी ने रेवड़िया ली तो किसी ने सोन हलवा तो किसी ने गुलाब जामुन, अलग अलग प्रकार की सबने मिठाइयाँ खरीद ली और सब लोग मजे से खाने लगे। बेचारा हामिद वहां भी बिरादरी से पृथक हो गया, अलग हो गया, क्योंकि वह मिठाई खाना नहीं चाहता था। मन तो उसका भी था कि वो भी अन्य बच्चों की तरह चरखियों में बैठे खिलौने ले मिठाइयाँ खाए, क्योंकि सुबह से वो भी भूखा था, पर वह अपना यहाँ पैसे बर्बाद नहीं करना चाहता था कि मैं यहाँ खर्च कर दूंगा इस मिठाइयों के ऊपर पैसे,
आपकी कोई काम की चीज मैं नहीं खरीद सकूंगा, क्योंकि उनके पास तो 3 ही पैसे हैं और 3 पैसे के अंदर उसे कुछ काम की चीज खरीदनी थी। अभी मेला तो देखना बाकी ही था, इसलिए वह बिरादर से पृथक हो जाता है। अब फिर आगे सब बच्चे अपने अपने तरह से मिठाइयाँ खाते हैं और हामिद जो है वह सबकी ओर ललचाई हुई आंखों से देखता है कि शायद कोई मुझे एक जरा सा भी टुकड़ा खाने के लिए दे दे। पर हामिद के जो मित्र थे यहाँ पर भी बहुत स्वार्थी निकले, किसी ने भी उसे मिठाई को खाने के लिए नहीं कहा। अब मिठाइयों के बाद जो दुकानदार आती है वह कुछ लोहे की चीजों की थी, कुछ गिलर और कुछ नके गहनों की थी। सड़कों के कलर होने के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं है कि जो लड़के थे वो सब तो वहां से आगे निकल गए, क्योंकि कोई आकर्षण नहीं था। लोहे की दुकान पर लड़के क्या खरीदने थे, इसीलिए लड़के वहां से आगे निकल जाते हैं और हामिद जो है वह लोहे की दुकान के पास खड़ा रह जाता है, क्योंकि उसने वहां एक चिंता देखा। जैसे ही उसने चिंता देखा तो उसे अपने दादी के बारे में ख्याल आता है कि अगर मैं यहाँ से इस मेले में से चिंता खरीद लूँ तो मेरी दादी को वह जब मेरे लिए रोटियाँ बनाती है तो उसकी उंगलियाँ नहीं जलेगी। इसीलिए वह चिंता देखकर वह लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई सारे चिमटे रखे हुए थे और अपनी दादी के बारे में वह सोच रहा था और मैं अगर यहाँ से चिमटा ले जाऊंगा तो मेरी दादी भी कितनी प्रसन्न होगी और उनकी उंगलियां भी नहीं जलेगी और घर में एक काम की चीज हो जाएगी। कोई उसकी ओर अगर आंख बाहर उठा कर भी देखेगा तो वह एक चिमटा उसे लगा देगा और वह यहाँ से अगर जो खिलौने घर पर ले जाएगा तो घर पहुँचते पहुँचते हाथ से टूट फूट जाएंगे और कोई काम का नहीं रहेगा। और खिलौने से एक दो दिन तो खेलते हैं, जब वह पुराना हो जाता है या तो उसके ऊपर जरा सा भी पानी पड़ा तो वह खिलौना कोई काम का नहीं रहेगा, इसीलिए वह खिलौना भी नहीं खरीदता है और लोहे की दुकान से वह चिंते के बारे में वह सोचता है। अब हामिद के जो साथी है वो सब तो आगे बढ़ गए और सभी पर शरबत पीने लगे। वहाँ जो प्यार था सभी था वहाँ पर सब शरबत पीने लगे और सब कितने लालची हैं ऐसा हामिद सोच रहा है। इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने भी नहीं पूछा कि सबने कितनी सारी मिठाइयाँ ली, रेवड़ियाँ खाई, सोन हलवा, खिलौने खरीदे, चरखियों में बैठे, पर किसी ने मुझे नहीं पूछा। मैं गरीब सही पर मैं किसी से कुछ मांगता थोड़ी ही हूँ कि मैंने कहा किसी को कुछ कहा कि भाई थोड़ा सा हलवा भी मुझे खाने के लिए दो या तो चरखियों में बैठने के लिए। वो भी अन्य बच्चों की तरह छोटा ही था फिर भी इतना प्यार उसमें था तो उसने किसी से कुछ मांगा नहीं। फिर सब बच्चे तो आगे आगे निकल गए। हामिद जो है वह लोहे की दुकान पर जाकर उस दुकानदार से उसके बारे में पूछता है कि भाई कि दुकानदार से उसने पूछा कि भाई ये चिंता कितने का है। तब वह दुकानदार कहता है कि 6 पैसे लगेंगे। हामिद का तो दिल बैठ गया कि निराश हो गया कि पूरे मेले के अंदर एक चीज खरीदने के बारे में सोचा था वो भी वह नहीं खरीद सकेगा। वह तो बेचारा निराश हो गया। अब कि भाई दुकानदार उसके ऊपर गुस्सा ना हो इसीलिए उसने फिर से पूछा कि भैया थोड़ा ठीक दाम बताओ। तब दुकानदार ने कहा कि 5 पैसे लगेंगे, लेना है तो लो। अब हामिद को लगा कि दुकानदार और ज्यादा गुस्सा हो जाएगा तो उसने ऐसा कहा कि भैया 3 पैसे लोगे। इतना कहकर वह लोहे की दुकान से थोड़ा आगे निकल जाता है और दुकानदार अच्छा आदमी था, बड़ा आदमी था, उसने हामिद को बुलाकर वह 3 पैसे में वह चिंता दे दिया। हामिद तो इतना खुश हो गया कि मानो उसे पूरे स्वर्ग का सुख मिल गया और वह जो अपनी दादी के लिए जो चीज खरीदना चाहता था आज उसने 3 पैसे में तो पूरा रंग जमा लिया। अब वह अपने चिमटे को कंधे पर रखते हुए अपने संगियों के साथ जाकर मिला, यानी कि जहां वो सारे उनके मित्र थे
वह मोसेस नामक जो लड़का है वह मालिक के पास चिंता देखकर कहता है कि यह चिंता क्यों लाया बुद्धू, कि तू तो बिल्कुल बेसमझ है, कि यह चिंता क्यों लाया, इसका क्या करेगा। हामिद चिंते को जमीन पर पटक कर कहा कि जरा अपना पिस्ती को जमीन पर पटक कर देखो, चूर चूर हो जाएगा, यानी कि वो तो मिट्टी के बने हुए थे खिलौने। कि देखो मैंने तो अपना चिंता जमीन पर ऐसे ही पटका, तू भी अपना जरा पिस्ती जमीन पर पटक कर दे, फिर क्या होगा। महमूद बोला तो यह चिंता कोई खिलौना थोड़े ही है, कि यह खिलौना थोड़े ही है। तब जाकर हामिद कहता है कि खिलौना क्यों नहीं है, अगर इसे कंधे पर रख दिया तो बंदूक हो गई, हाथ में लिया तो फकीरों का चिंता हो गया, और साथ में कि अगर उसे बजाना चाहते हो तो वह मंजीरे का काम भी कर सकता है, और मेरा खिलौना तो ऐसा है कि उसका कोई माल भी मका नहीं कर सकता, आंधी हो पानी हो तूफान हो वह बिल्कुल पड़ा रहेगा, उसे कुछ नहीं कर सकता। कि आपके खिलौने कुछ मेरे चिंते का बिगाड़ नहीं सकते, तो उसी प्रकार हामिद ने अपने चिंते का वर्णन किया। सब बच्चों को ऐसा लगने लगा कि हामिद ने तो 3 पैसे में तो रंग जमा लिया, कि एक तो चिंता खरीदा वो भी बरसों तक जिंदा रहेगा कुछ नहीं होगा, और हमारे पास जो खिलौने हैं वो तो टूट जाएंगे, एक दिन तो पुराना होगा, उनका कलर भी धुल जाएगा, फिर कोई काम का नहीं रहेगा, पर जो हामिद के पास जो चिंता है वो तो बरसों तक इसी प्रकार जिंदा रहेगा, और उससे हामिद खेल भी सकता है, चूल्हे में से कोई आग मारने के लिए आए तो उसे भी दे सकता है, कई प्रकार से ये काम में आता है। तो उसने तो एक काम की चीज भी ले ली, तो उसने तो बड़ी समझदारी से चिंता खरीद लिया, और चिंते ने तो सबको मोहित कर लिया था, अगर सब अपने अपने पिता से कहे तो वो वापिस तो कोई उस मेले के अंदर तो नहीं वापिस जाकर चिंता खरीद लेता, क्योंकि सब मेले से दूर आ गए थे। अब क्या होगा, सब लोग तो दुखी हो गए कि हामिद ने जो रंग जमाया ऐसा होने की हामिद ये बड़ा चाहता, और उसमें से जो चिंते ने सबको तो मोहित तो करके रखा था, अब सब सोचने लगे कि किसके पास इतने पैसे धरे हैं, पैसे भी खत्म हो गए, अब सबने तो बड़े 2-2, 3-3 पैसे और बर्बाद खिलौने के अंदर कर लिए, पर हमने तो यानी कि हामिद ने तो पूरी तरह से जो 3 पैसे है इसीलिए बचा के रखे थे कि वो कोई काम की चीज खरीदना चाहता था। मोसिन ने कहा कि जरा अपना चिंता दो, अब सबको ऐसा लगने लगा कि हमारे पास भी ऐसा चिंता होना चाहिए, तो मोसिन समी नूरे और महमूद बारी बारी से सबके पास वह चिंता गया, और बारी बारी से सबका जो खिलौना था वह हामिद के पास आ गया, और हामिद को तो यह शर्त मानने में कोई आपत्ति नहीं थी, उनको तो खिलौने से थोड़ी देर के लिए खेलना था, इसीलिए सारे खिलौने हामिद के पास आ गए, और बारी बारी से सबके पास वह चिंता खेलने के लिए गया। अब सब लोग सोचने लगे कि हमारे पास अगर ऐसा चिंता होता तो हामिद तो बड़ा चालाकी निकला, अब उसमें से जो महमूद नामक जो लड़का था उसको सिर्फ हामिद ने ही उनको मित्र बना के रखा था, तो उनके पिताजी रास्ते में कितने सारे केले खाने के लिए दिए थे, तो सारे केले उसने हामिद को दे दिए, हामिद की भूख भी मुफ्त में मिट गई, खिलौने से भी खेल लिया। इस तरह हामिद ने अपने मेले में 3 पैसे के अंदर पूरा रंग जमा लिया। अब सब गांव वाले वापस अपने घर पर आ पहुंचे। 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले लौट आए। मोसी की छोटी बहन दौड़कर उनके हाथ में जो बिस्ती का खिलौना देखा तो वह दौड़ी और मोसी के हाथ से उसने छीनना चाहा। जैसे ही उसके हाथ से वह जो बिस्ती था वह छीन लेती थी तभी उसके हाथ से नीचे गिर गया और वह चूर चूर हो गया, यानी कि जो वह खिलौना था वो सीधा ही स्वर्ग सीधा गया, यानी कि उनकी मृत्यु हो गई, कोई कालका नहीं।
नीचे तो बैठे जो कि वकील साहब जो है वह अपनी पोस्ट के अनुसार पद के अनुसार नीचे तो बैठे नहीं है। इसीलिए नूरे ने अपने घर के अंदर दो खुटिया गाड़ी गई और उसके ऊपर एक लकड़ी का पटरा रखा। फिर एक काली यानी कि एक जाजम बिछाई हुई थी जिसके ऊपर अच्छे से वह वकील साहब बैठ सके। फिर लगने लगा कि वकील साहब राजा भोज की तरह घर की दीवारों में टंगे हुए थे और नूरे ने उन्हें पंखा जलाना शुरू किया। अब जैसे ही वह पंखा जलना शुरू किया पंखे की चोट लगी या जोरों की हवा जो नूरे साहब ने जो खिलौना लिया था वह वकील का जो खिलौना था वह पंखे की चोट या हवा से पता नहीं क्या हुआ सीधा ही स्वर्ग लोक में से मृत्यु लोक पर आ पहुंचे। यानी पहले तो राजा भोज की तरह वह विराजमान थे और उनकी मृत्यु तो और भी शानदार हुई और बेचारे सीधा ही मृत्यु लोक में जा गए। अब घर परिवार में सब लोग जोर जोर से मातम मनाने लगे और खिलौना टूट गया। अब मियां हामिद का हाल सुनिए। हामिद के साथ क्या हुआ? हामिद तो अपना चिंता लेकर अपने घर की ओर गया। तब उसकी दादी ने उनकी आवाज सुनकर सीधा ही उसको अपनी गोदी में बिठा लिया और वह उसे प्यार करने लगी। तब अचानक ही उसके हाथ में झींटा देखकर वह चौंक गई और कहा कि ये कहाँ से लाया? तब उसने कहा कि मेले में से मैंने आपके लिए लिया। तो उसने कहा कि कई पैसों में? कितने पैसों में? तब उसने कहा कि 3 पैसे। अमीना ने तो छाती पीट ली। वह रोने लगे कि ये कितना बेसमझ लड़का है। सुबह से उस मेले के अंदर गया था कुछ खाया न पिया और लाया क्या चिंता कि तुझे मेले में एक ही चीज ये मिली? कुछ खाने के लिए या कुछ खेलने के लिए खिलौने नहीं थे कि जो तू चिंता लेकर आया? तब हामिद ने बड़े ही अपराधी भाव से कहा कि तुम्हारी उंगलियां तवे पर से जब तू रोटियां सेकती थी तब जल जाती थी, इसीलिए मैंने तुम्हारे बारे में सोचकर ये खिलौने ये चिंता खरीदा है कि आइंदा से अब तुम्हारे हाथ नहीं जलेंगे। बुढ़िया का क्रोध तुरंत ही प्रेम में बदल जाता है और वह बच्चे में कितना त्याग कितना समर्पण और कितना विवेक है कि दूसरे बच्चों को खिलौने देते हुए मिठाइयाँ खाते हुए देखकर भी इनका मन भी कितना ललचाया होगा। तो इस प्रकार इतना जब तक इतना धैर्य इस छोटे से बच्चे में हुआ कैसे? अमीना का मन गदगद हो गया और वह रोने लगी। अपने बेटे को दामन फैला कर वह दुआएं देती जा रही थी और उसकी आंखों से बड़ी बड़ी बूंदे गिरने लग रही थी। तो इस प्रकार ये छोटा बच्चे के अंदर जो विवेक बुद्धि की यहाँ प्रतिभा का जो दर्शन प्रेमचंद जी ने किया करवाया है वो बड़ा ही मनोहर है। तो इस सुंदर पाठ